दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये चैनल इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स लेके आता है। मेरा नाम हर्ष है दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाई कोर्ट की भर्ती के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाई कोर्ट की भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप 8वीं पास या 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए दोस्तों मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सअप तथा फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जहाँ तक इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड की बात है तो इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आइए बात कर लेते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है हाई कोर्ट की सीधी भर्ती होने जा रही है। और जैसे बताया कि इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता होनी चाहिए कैंडिडेट की 8वीं पास या 10वीं पास। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती के लिए एज लिमिट की बात है तो इसके लिए 35 साल तक की एज लिमिट है। और आपकी जो एज की गणना की जाएगी 10 जुलाई 2020 के हिसाब से की जाएगी। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो कैटेगरीज वाइज दोस्तों एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। जहाँ तक दोस्तों इस भर्ती के लिए सैलरी की बात है तो आपको सैलरी मिलेगी 8,250 रुपये। जहाँ तक इस भर्ती के लिए फीस की बात है तो इस भर्ती में दोस्तों 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फीस है, प्लस आपको GST भी पे करना पड़ेगा। और इस भर्ती की पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए दोस्तों लास्ट डेट 10 जुलाई 2020 है। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट तथा इंटरव्यू होगा। और इस भर्ती के लिए जैसे बताया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जहाँ तक इस भर्ती के लिए पदों की बात है, पोस्ट की बात है दोस्तों, तो इसमें ड्राइवर, गार्डनर, वाशरमैन, कुक, स्वीपर और अदर्स की वैकेंसी है। यानी कि ड्राइवर, माली, धोबी, रसोईया, स्वीपर और उसके अलावा और भी वैकेंसी है। और दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, नोटिफिकेशन में जहाँ तक पॉइंट नंबर 2 की बात है तो इसमें आयु की गणना के बारे में लिखा गया है कि एज होनी चाहिए कैंडिडेट की कम से कम 18 साल एज ऑन 10 जुलाई 2020 को। और जहाँ तक पुरुष आवेदक अनरिजर्व कैटेगरी की बात है तो इनके लिए एज लिमिट 35 साल रखी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछला वर्ग के लिए आरक्षित वर्ग के लिए दोस्तों 40 साल तक की एज लिमिट है। महिला के लिए दोस्तों अनारक्षित वर्ग के लिए 45 साल तक है तथा महिला आरक्षित वर्ग के लिए 50 साल तक एज लिमिट रखी गई है। और बाकी अदर डिटेल्स दोस्तों इसमें दे रखा है, पॉइंट 2 में दे रखा है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में स्क्रीनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और पॉइंट 4 में मुख्य इंटरव्यू के बारे में दे रखा है। पॉइंट 5 में दोस्तों चयन एवं अभ्यर्थी के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी से इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए यदि बात करें क्वालिफिकेशन की तो रसोईया, धोबी, माली, स्वीपर तथा भृत्य की जो वैकेंसी है, आपको वेतनमान कलेक्टर रेट 8,250 के करीब आपको सैलरी मिलेगी। और जहाँ तक इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात है तो कैंडिडेट न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम 8वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की समकक्ष की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और जहाँ तक वाहन चालक वृत्ति कलेक्टर रेट संविदा की बात है तो दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी लगभग 8,250। और इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है हाई स्कूल परीक्षा। और इसके लिए दोस्तों वैध लाइसेंस होना चाहिए, मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। जहाँ तक टोटल वैकेंसीज की बात है दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल वेरिफिकेशन दे रखा है 18 वैकेंसीज का। और दोस्तों, इस भर्ती के लिए जहाँ तक परीक्षा शुल्क की बात है तो अनारक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए दोस्तों 100 रुपये फीस है, प्लस GST, प्लस आपको 100 रुपये पोर्टल शुल्क भी जमा कराना पड़ेगा। यानी कि 100 प्लस 100 200 रुपये प्लस GST आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। तथा मध्य प्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए 100 रुपये प्लस GST फीस है। और दोस्तों, जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आप 10 जुलाई 2020 तक ही आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती का लोकेशन दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर है।
तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल, और इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।